एपिसोड के स्टार्ट में वो आपको दिखाया जाता है जो मिरर के सामने खड़ा होता है। वह अपनी बॉडी पे टच करता रहता है क्योंकि वह बहुत ही अराउज फील कर रहा था। और जब वह रूम में खड़ा होता है तो किंग वह के पास आता है और उसे किस करते हुए कहता है कि तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो। और यह कहकर किंग वह को किस करने लगते हैं। वह किंग को रोकते हैं और जाकर बेड पर बैठ जाते हैं और अपने पैरों से बाथरोब को हटाते हैं। तो किंग वह के पास आते हैं और उसकी नेक पे किस करने लगते हैं। फिर वह फिर से किंग को रोकते हैं और कहते हैं कि पहले हम लोगों को रूल फिक्स कर लेने चाहिए। तो किंग ओके कहते हैं। वह कहते हैं कि हम लोग एक वीक में 2 बार से ज़्यादा लव मेकिंग नहीं करेंगे। तो किंग कहते हैं कि ये तो बहुत ही कम है। वह कहते हैं कि अगर तुम इस चीज़ से ठीक नहीं हो तो फिर हम इसे अभी ख़त्म कर देते हैं। किंग कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इस चीज़ से ठीक नहीं हूँ और आगे क्या। और यह कहकर किंग वह के थाइस पे बाइट कर लेते हैं। तो वह कहते हैं कि कोई भी लव बाइट नहीं चाहिए क्योंकि मुझे जलन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो किंग कहते हैं ठीक है और फिर से किंग वह के थाइस पे किस करने लगते हैं। तो वह कहते हैं कि तुम्हें मुझसे हमेशा परमिशन लेनी होगी और अगर मैंने एक बार मना कर दिया तो इसका मतलब ना ही है और तुम्हें हमेशा कोंडम भी वेयर करने पड़ेंगे। और मेरे साथ ऑफिस में बिल्कुल भी फ्रेश मत रहना और ऑफिस में किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि जेड को भी हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो किंग कहते हैं बस इतना ही। वह कहते हैं कि अगर तुम्हें और मुझे कोई और मिल गया तो हम इस रिलेशनशिप को यही ख़त्म कर देंगे और या फिर हम दोनों में से कोई भी इसे ख़त्म करना चाहे तब भी हम इसे ख़त्म कर देंगे। तो किंग कहते हैं दैट्स ऑल। वह कहते हैं अगर तुम किसी और के साथ सोए तो भी मैं इस रिलेशनशिप को वहीं पे ख़त्म कर दूंगा और अगर तुम ये रूल पसंद नहीं है तो हम इस चीज़ को स्टार्ट नहीं करेंगे और इस चीज़ को हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो किंग कहते हैं कि मैं कभी भी किसी और के साथ नहीं सोऊंगा और हम दोनों को इससे प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि ना ही तो तुम मुझे पसंद करते हो और ना ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये बस एक सेक्स है। वह कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम इन रूल्स को फॉलो कर पाओगे। किंग कहते हैं अगर मैं किसी और के साथ सोया भी तो मैं प्रोमिस करता हूँ कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। तो वह भी मान जाता है। और फिर किंग कहता है कि लेकिन मेरा भी एक रूल है, अगर मैं किसी और के साथ नहीं सो रहा तो एक वीक में 2 बार तो बहुत ही कम है, मुझे 4 बार चाहिए। तो वह मना करते हुए कहता है कि ये बहुत ज़्यादा है। किंग कहते हैं ठीक है 3 बार ठीक है और बस मैं तुमसे एक रूल ही तो कह रहा हूँ। तो वह भी मान जाते हैं। फिर किंग वहाँ के क्लोज आते हैं और उन दोनों का हॉट सेशन स्टार्ट होता है। और फिर नेक्स्ट डे वह और किंग दोनों एक ही कार में जा रहे होते हैं। वह किंग को कार रोकने को कहते हैं। तो किंग कहते हैं क्या तुम कुछ बाय करने जा रहे हो। तो वह कहते हैं कि तुम मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दो और आगे मैं खुद चला जाऊंगा। किंग कहते हैं लेकिन तुम चल कर क्यों जाना चाहते हो, ओ तुम ये नहीं चाहते कि दूसरे लोग हमें साथ में देखें। वह कहते हैं अगर तुम्हें पता ही है तो तुम मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दो और अब मुझे जाना होगा। और यह वह वहाँ से चला जाते हैं। और फिर उन दोनों का ऑफिस में रोमांस स्टार्ट होता है और वो दोनों हर जगह रोमांस ही करते हैं। और एक दिन जब वह और किंग कैंटीन में होते हैं तभी वह के पास वह की मोम का मैसेज आता है और उसे देख कर वह को फिर से मोम की बातें याद आने लगती है। मोम फिर से वह से पैसे मांगती है और घर आने को कहती है। वह उदास हो जाते हैं तो किंग वह को देख कर कहते हैं कि क्या हुआ है। वह कहते हैं कुछ भी नहीं, बस मोम मुझे घर पर बुला रही है। किंग कहता है तो तुम्हें घर चले जाना चाहिए। वह कहता है आज रात अगर तुम आना चाहो तो तुम मेरे घर आ सकते हो। किंग कहते हैं तो तुम घर नहीं जा रही। वह कहते हैं मुझे घर गए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो
किंग वहाँ से पूछते हैं, क्या तुम ठीक तो हो? वह कहते हैं कि जब तुम पहुँच जाओ तो मुझे कॉल कर देना और मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा। और यह कहकर वह वहाँ से चला जाते हैं। और फिर किंग वह के पास आ जाते हैं। वह सावा लेके आता है और किंग को उसका सर देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे कार में रख देना। तो किंग यस कहते हैं। और फिर किंग उठकर वह के पास जाते हैं और उसे हक करके सोफे पे लेकर आते हैं। वह उठने लगते हैं तो किंग अपने पैरों से वह को एंकल कर लेते हैं। और फिर किंग वह से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बाल ड्राई करने दो। वह मना करते हुए कहते हैं कि ये मैं खुद कर लूँगा। लेकिन किंग वह के बाल ड्राई करने लगते हैं और वह इस चीज़ से स्माइल करने लगते हैं। और फिर किंग वह के बाल ड्राई करते करते उसके नेक पे किस करने लगते हैं। तभी वह को किसी पर्सन की याद आती जो बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था और वह वह का अंकल होते हैं। वह को पता चलता है तो वह कहते हैं, अंकल आप क्या कर रहे हो? और इस चीज़ से वह बहुत ज़्यादा सुख हो जाते हैं और वह किंग से हार जाता है। और किंग से कहते हैं कि तुम क्या कर रहे थे, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किंग को थोड़ा शौक लगता है और वह वहाँ से कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मुझे माफ़ कर दो। और किंग वहाँ की हालत देख कर कहते हैं कि आई प्रोमिस मैं ऐसा दोबारा से कभी कुछ नहीं करूँगा जो तुम्हें पसंद नहीं हो। लेकिन वह वहाँ से चला जाते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वह अपना होमवर्क कर रहा होते हैं। तभी वह के अंकल वह के लिए कलर पेंसिल लेकर आते हैं जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर अंकल वह को भी सिखाने के लिए कहते हैं तो वह मान जाते हैं और अंकल वह की चेयर पर ही बैठ जाते हैं। और जब वह अंकल को सिखा रहे होते हैं तो अंकल वह की नेक पे बैठ कर लेते हैं। और फिर वह हट कर कहते हैं कि अंकल आप ये क्या कर रहे थे? अंकल बहाना मारते और कहते हैं कि तुम्हारी नेक में मच्छर था, वो तुम्हें बाइट कर लेता। और फिर से वो अपने वर्क में लग जाता है। लेकिन अंकल का ध्यान तो कहीं और ही होता है और यही सब सोचकर वह रो रहा होता है। और दूसरी तरफ किंग वह को लेकर थोड़ा परेशान होता है। नेक्स्ट डे वह और किंग जब ऑफिस में मिलते हैं तो किंग वह को ड्रिंक देते हुए उसमें सॉरी नोट लिखते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। वह ड्रिंक नहीं लेता तो किंग कहते हैं, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये लेना नहीं चाहते? तभी चीट वह को आवाज़ लगाते हैं तो वह ड्रिंक ले लेते हैं और नोट को छुपा लेते हैं। चीट उन दोनों के पास आते हैं और वह को देखकर किंग से कहते हैं, क्या तुम फिर से इसे टीज करने लगे? तो किंग सॉरी कहते हैं और वह भी मान जाते हैं। और तभी वहाँ पर गन भी आ जाते हैं और वह किंग से कहते हैं कि तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया और मेरी बातें अभी तक ख़त्म नहीं हुई, तुम्हें हमेशा इतनी जल्दी क्यों होती है? तो किंग कहते हैं, क्या तुम छोटे बच्चे हो क्या? तभी चीज रोने लगते हैं और फिर कहते हैं कि तुम लोग फिर से एक साथ बाहर हैंग आउट करने के लिए जा रहे हो, लेकिन जब भी मैं तुम लोगों से रेड बोर खाने के लिए पूछता हूँ तो कोई भी मेरे साथ नहीं आता। और फिर जेड हुआ को और गन किंग को मनाने लगते हैं। और नाइट में किंग जब पार्किंग में होता है तो वह वहाँ को कॉल करते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वह कहते हैं, लेकिन किस लिए? और तुम गन के साथ हैंग आउट नहीं कर रही? किंग मना करते हुए कहते हैं कि मैं उसके साथ हैंग आउट नहीं कर रहा और किसी के भी साथ नहीं कर रहा अगर वहाँ पे तुम नहीं हो तो। तो वह कहते हैं कि मुझे अब जाना होगा, मुझे नींद आ रही है। किंग कहते हैं कि तुम्हें रुकने में साई फील हो रहे? वह कहते हैं, मैंने कहा मुझे नींद आ रही है। किंग कहते हैं, मैं प्रोमिस करता हूँ कि आज रात मैं एक गुड बॉय बनकर रहूँगा और मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। और जब मैं घर पहुँच जाऊँगा तो मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूँगा, तुम मेरी चिंता मत करना। तो वह कहते हैं कि कौन तुम्हारी चिंता करता है? लेकिन किंग कॉल कट कर देते हैं और वह फ़ोन की तरफ ही देख रहा होता है और वहाँ पे गन भी आ चुका था। तो वह किंग से कहता है कि तुम किससे बातें कर रहे थे? तो किंग कहते हैं, ये एक सीक्रेट है। गन कहते हैं, ठीक है, और मैं जानना भी नहीं चाहता, बस मैं अभी अंदर जाना चाहता हूँ। और फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ वह किंग की बातें सोचकर स्माइल करते हैं। तभी वह के पास बुक का मैसेज आते हैं और वह कहते हैं,
अगर तुमने मुझे रिप्लाई नहीं दिया तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। और वह इससे थोड़ा परेशान हो जाता है। तो फिर तब गन किंग के पास आता है और एक लड़की की तरफ इशारा करके कहते हैं कि मैं उसे काफ़ी टाइम से खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वह मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं ले रही। जबकि तुम कुछ भी नहीं करते रहते, फिर भी सभी लड़कियाँ तुम्हारी तरफ देखती रहती, और ये तुम कैसे कर लेते हो? कुछ ट्रिक्स मुझे भी बता दो। तो किंग कहता है कि तुम ये सब बातें करना बंद करो। गन कहता है, लेकिन क्यों, ये तो बहुत ही कूल है ना, मुझे ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन मैं क्यों लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता? तो किंग कहता है, क्या तुम मुझे ऑफिस में से कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? तो गन एक लड़की का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि वह बहुत ही क्यूट है, अगर वह सिंगल होती तो मैं उसके साथ फ्लर्ट कर सकता था। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल भी है। तो किंग कहता है, कौन? गन वह के बारे में कहते हैं। तो किंग को थोड़ा जेलस फील होते हैं और वह गन के सर पे नोक कर देते हैं। गन कहते हैं, तुमने मुझे हिट क्यों किया? किंग कहते हैं कि तुम्हें अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। तो गन कहते हैं, मैं तो बस एक एग्जाम्पल ही तो दे रहा था। और तभी किंग के पास एक लड़की आती है और वह कहती है, क्या मैं आपके साथ ड्रिंक कर सकती हूँ? तो किंग कहता है कि आज मैं ड्रिंक नहीं कर रहा। और फिर किंग अपना ग्लास आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैं आपके साथ इससे चेयर कर सकता हूँ। और फिर चेयर करके फिर से किंग कन सी बातें करने लगते हैं और उस लड़की की तरफ ध्यान नहीं देता। तो वह लड़की परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। और गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।